الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد पिछले दर्स में हम सातुल हायत वल मिज़वल नामी दर्स को पढ़ रहे थे और इसका एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था और इसमें से बची इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछले दर्स में हम जहाँ पर रुके थे वहाँ से मैं पहले इबारत पढ़ देता हूँ। ये वाली जगह है, यहाँ से हमें पढ़ना है। साहिब किताब कह रहे हैं, अम्मा अना फ़इन्नी अअमलु लैलन व नहारन صيفا وشتاء معتمدة على نفسي فأبين للناس أوقات أملهم وراحتهم وأكلهم وصلاتهم ونومهم اسمعي ها أنا ذا أدق واحدة اثنتين ثلاثا أربعا أما أنت فلا يستفيد منك أحد إلا إذا أتى ليراك ثم ظهرت الشمس من وراء السحاب فتبين أن في الساعة تأخرا قدره نصف ساعة وإن ذلك تبسمت المزولة مستهزئة بخطأ جارتها وقالت الآن قد ظهر الحق أنت تعملين فتخطئين وتوقعين في الخطأ من يتكل عليك فلا يأتيهم منك إلا الضرر فقالت الساعة ليس العيب أن يعمل المرء ويخطئ ولكن العيب أن يتكل على غيره في عمله। ये वाला पार्ट है, इसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें जो बातें हैं साअतुल हायत वल मिज़वल, यहाँ जैसे पहले मैंने बताया है कि ये जो दर्स है इसके अंदर गुफ्तगू चाहे एक गुफ्तगू है, एक बातचीत है दो चीज़ों के दरमियान। एक जो है दीवार खड़ी है साअतुल हायत जो ये वाली है, और एक मिज़वला है जो कि ये वाली घड़ी है यानी कि धूप वाली घड़ी या शमसी घड़ी, दोनों के दरमियान बातचीत चल रही है। ये घड़ी इससे कह रही है कि तुम कैसी हो, कि तुम दूसरों पर भरोसा करती हो अपने काम को अंजाम देने में, क्योंकि तुम्हारा सारा दारोमदार काम करने का इस चीज़ पर है कि सूरज निकला हुआ हो, अच्छी सी धूप निकली हुई हो और जिसका साया तुम्हारे ऊपर, जिससे तुम्हें साया मिले और तुम क्या है टाइम को बतला सको। इसीलिए जब बदली का दिन होता है तो तुम उसमें क्या है कुछ भी नहीं कर पाती हो, बैठी रहती हो फालतू में, कैसी हो तुम। ये बात ये वाली घड़ी इससे कह रही है, क्योंकि ये घड़ी जो है ये धूप से नहीं चलती है बल्कि ये सेल से चलती है या दूसरी चीज़ों से चलती है, यानी कि जिसका मदार क्या है मौसम पर नहीं होता है या सूरज पर नहीं होता है। तो फिर जो है जब एक बार ऐसा हुआ कि यही वही जब धूप नहीं निकली थी, सूरज नहीं निकला था, तो फिर जब सूरज निकला तो इसका टाइम पता चला कि क्या टाइम हो रहा है, और यहाँ पर पता चला कि ये घड़ी कुछ पीछे चल रही है आधा घंटा। तो इसने फिर इसको कहा कि तुम देखो अभी तुम जो है मुझे कह रही थी, तुम खुद बताते खुद तुम भी क्या है पीछे चल रही हो, तुम भी सही से टाइम क्या है नहीं बता रही हो। तो फिर इस घड़ी ने इसको कहा कि इसमें कोई बात नहीं है कि आदमी अपना काम करे लेकिन उसमें गलती कर जाए, लेकिन बुराई इसमें है कि आदमी अपने काम को करने के लिए किसी दूसरे का सहारा ले। ये घड़ी कह रही है मैं अपना काम तो करती हूँ, कभी मेरे मुझमें ताखिर हो जाती है तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं बताते खुद अपना काम जो है जो टाइम बताना है मैं बताते खुद या अपने सहारे मैं इस टाइम को बताती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं दूसरों पर क्या डिपेंड हूँ। और कोई आदमी अपना काम बताते खुद करे तो उसमें अगरचि वो गलती भी कर जाए तो ये माफ़ू अनु है, मतलब ये काबिल माफ़ी है, लेकिन एक आदमी अपना पूरा काम जो है करने के लिए टोटल दूसरे पर निर्भर हो तो ये चीज़ बुरी है, जैसे कि ये घड़ी कह रही है। तो फाइनल जो उसका उसमें जो बात थी वो यही थी कि लैस अलैब अय्या अमल अलमर ओ वयुख्तिया लकिन अलैब अय्या तकिला अला गैरिही फी अमलिही,
क्योंकि हर दर्स जो यहाँ पर इस किताब के अंदर है, हर दर्स के अंदर आखिर में ऐसे ही सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होता है, बल्कि ये जो इसके अंदर के ये बातें जो हैं इस मुस्तवा की, इस लेवल की, मतलब अरबी ज़बान है, इसमें अच्छी अच्छी इबारतें हैं, अच्छी अच्छी तरकीबें हैं, अच्छी अच्छी कलिमात हैं, साथ साथ में उसके अंदर एक हिडन मैसेज भी है, उसके अंदर एक पैगाम भी छुपा होता है, एक अच्छी आदत भी छुपी होती है, जो दर्स के पढ़ने के बाद हमें क्या है उससे समझ में आती है और जिससे हमें क्या है सीख मिलती है। आज के दर्स को इसमें पढ़ते हैं, यहाँ से ये वाला कह रहे कि अम्मा अना फ़ैनी आमलू लैलन व नहारन। अम्मा अना, ये बात किसकी है? ये बात इसी की है, सातुल हाइद की है, यानी कि जो दीवार वाली घड़ी है इसकी बात यहाँ पर है, ये इस दीवार घड़ी कह रही है। अम्मा अना, जहाँ तक रही मेरी बात, फ़ैनी आमलू लैलन व नहारन, तो मैं काम करती हूँ रात और दिन। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं रात और दिन काम करती हूँ। सैफन व शीतान, ठंडी में, गर्मी और ठंडी में, दिन और रात, गर्मी और ठंडी में मैं काम करती रहती हूँ। मुतमिदतन अला नफसी, अपनी ज़ात पर या अपने आप पर एतमाद करते हुए, अपने आप पर भरोसा करते हुए, किसी दूसरे का सहारा ना लिए हुए। तो ये सातुल हाइद जो है, यानी कि जो दीवार घड़ी है ये वाली जो है, ये कह रही है। और फिर कह रही है फ़ुबय्यिनु लिन्नासि, और जब मैं अपना काम हमेशा करती रहती हूँ तो मैं लोगों के लिए बताती हूँ या लोगों के लिए बयान करती हूँ, अवकात अमलिहिम, उनके काम करने के अवकात को, यानी कि लोगों को पता चलता है कि देखो अब ये टाइम हो गया, अब हमें काम पर निकलना चाहिए, ये टाइम हो गया, अब हमें क्या है ऑफिस से घर जाना चाहिए, तो ये जो काम का जो अवकात हैं ये मैं उनको बताती हूँ। फ़ुबय्यिनु लिन्नासि अवकात अमलिहिम, फिर मैं लोगों को बताती हूँ, लोगों के लिए बयान करती हूँ उनके काम के अवकात को। वराहतिहिम, इसी तरह से यानी कि अवकात राहतिहिम, तो अवकात अमलिहिम वराहत, और उनके आराम करने के अवकात को, यानी कि जैसे कि दोपहर में अगर कोई आराम करता है तो दोपहर में 2 बज गए तो हम आराम करना चाहिए, 3 बज गए आराम का टाइम ख़त्म हो गया, या रात जो सोने के लिए है आराम करने के लिए है तो 10 बज गए रात में, ठीक है हमें अब रात में सोने के लिए जाना चाहिए, सुबह इतना बज गए अब हमें उठ जाना चाहिए, तो ये जो आराम करने का टाइम है उसको भी क्या है बताती हूँ। जो घड़ी घड़ी फ़ुबय्यिनु लिन्नासि, फिर मैं लोगों को बताती हूँ उनके काम, उनके आराम, उनके खाने, उनकी नमाज और उनके सोने के अवकात को। तो अवकात यहाँ पर मुजाफ़ है और उसके माँ बाद ये पूरा का पूरा मुजाफिला है, कैसे है अमलिहिम, ये मुजाफ़ और मुजाफिले होकर के ये फिर मुजाफिला है, वा हरफ़ अत्फ़ है राहतिहिम, ये मुजाफ़ और मुजाफिले होकर के मातूफ है इस पर, वा हरफ़ अत्फ़ है अकलिहिम क्या है मुजाफ़ और मुजाफिले होकर के ये राहतिहिम पर मातूफ है, वा हरफ़ अत्फ़ है सलातिहिम, ये मुजाफ़ और मुजाफिले होकर के अकलिहिम पर मातूफ है, वा हरफ़ अत्फ़ है नौमिहिम, ये मुजाफ़ और मुजाफिले होकर के इस पर मातूफ है। तो ये मातूफ है, ये मातूफ अलह है, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे मातूफ होंगे इस पर मातूफ अलह पर, फिर ये मातूफ और मातूफ अलह ये फिर मिल करके मातूफ हो जाएंगे इस पर, ये मातूफ अलह हो जाएगा और ये मातूफ हो जाएगा, और फिर ये मातूफ और ये सब मातूफ अलह मिल करके ये मातूफ होंगे इस पर अमलिहिम पर, और ये मातूफ हो जाएगा और माबाद वाला सब मातूफ अलह हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये अमलिहिम व राहतिहिम व अक्लिहिम व सलातिहिम व नौमिहिम, ये पूरा का पूरा आपस में एक दूसरे पर मातूफ और मातूफ अलह होने के बाद ये फिर मुजाफिले हो जाएंगे अवकात का, अवकात ही मुजाफ और उसके माँ बाद पूरा मुजाफिले, और फिर इस तरह से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अवकात अमलिहिम व राहतिहिम व अक्लिहिम व सलातिहिम व नौमिहिम, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये मफूल भी हो जाएगा उबैनो फ़ेल का, लिन्ना से ये मुतालिक हो जाएगा उबैनो से, और उबैनो फ़ेल उसके अंदर आना की ज़मीर फ़ाइल, लिन्ना से ये जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा उबैनो से, और ये अवकात और उसके माँ बाद पूरा क्या हो जाएगा मफूल भी ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी तरकीब बनी है, क्योंकि फ़ुबय्यिनु बस मैं लोगों के लिए बताती हूँ उनके काम, उनके आराम, उनके खाने, उनकी नमाज और उनके सोने के अवकात को। इसमाई, तुम सुनो, हा अनाजा, मैं अभी जो है, हा अनाजा, हा अनाजा, हा यहाँ पर तंबीह के लिए, मैं वही घड़ी हूँ इस हाल में कि मैं अभी घंटी बजा रही हूँ, एक घंटी, दो घंटी, तीन घंटी, चार घंटी,
यानी कि उसी दरमियान में क्या है, इसके अंदर क्या है, घंटी भी बजती है, तो उसी दरमियान में क्या है, ये घंटी बजाने लगी कि कितने, जैसे एक बजता है तो एक घंटी बजती है, दो बजता है तो दो घंटी बजती है, तीन बजता है तो तीन घंटी बजती है, चार बजता है तो चार घंटी बजती है। तो इस तरह से जितनी घंटियाँ, तो उसी दरमियान में ये घंटी बजा रही थी, चार घंटी बजाई, यानी कि बताने के लिए कभी चार बज गए हैं। तो कह रही है इस्माई, ये साअतुल हायद कह रही है मिस वाला से कि तुम सुनो, मैं हा आना जा, मैं वही दीवार घड़ी हूँ इस हाल में कि मैं घंटी बजा रही हूँ, एक घंटी, दो घंटी, तीन घंटी, चार घंटी। यहाँ पर जो है ये वाली जो इबारत है इस्माई, ये फेल है, इसके अंदर था कि सब अंती की ज़मीर, या इसके अंदर जो या है यही इसका फ़ाइल है। इसके बाद के हा क्या है यहाँ पर, ये हा तंबी के लिए है, हा तंबी के लिए। इसके बाद इसमें है आना, हा के बाद हा तंबी है, इसका कोई आराम नहीं है। इसके बाद है आना है और उसके बाद ज़ा है। तो आना ये मुब्तदा है और ज़ा यहाँ पर क्या है, खबर है, आना जा। और उसके बाद जो अदुक्को है, अदुक्को यहाँ पर क्या है, ये जुमला हालिया है। तो आना यहाँ पर ये जुलाल, इसको हम बना देंगे। और उसके बाद क्या है, ये जो है अदुक्को क्या है, जो फेल बफाइल एक पूरा जुमला है, ये उसी से क्या है हाल हो जाएगा। और ये जुल्हार और हार मुब्तदा और ज़ा उसकी क्या है, खबर हो जाएगी। और अदुक्को जो है ये फेल है और ये के जुमला है अदुक्को। और उसके बाद क्या है यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाहिदतन जो है असल में है दक्कतन वाहिदतन, दक्कतन इसनतैनी या दक्कन सलासन, दक्कन अरबान। तो यहाँ पर इसका जो मौसूफ़ है, महजूफ़ है, और ये सारे के सारे मफूले मुतलक वाक़े होंगे अदुक्को फेल से। तो अदुक्को फेल है, फेल मुजारे है, इसके अंदर आना की ज़मीर मुस्ततिर है। और वाहिदतन इसनतैनी सलासन अरबान, ये चारों के चारों क्या है, ये मफूले मुतलक हैं अदुक्को फेल से। इनकी असल है दक्कतन वाहिदतन, वाहिदतन सिफत है, दक्कतन यहाँ पर इसका मौसूफ जो है, जो कि मस्तर है, महजूफ है, तो दक्कतन वाहिदतन। और चूंकि ये मौसूफ यहाँ से महजूफ हो गया है, तो ये सिफत क्या है, उसकी मौसूफ की जगह ले ली है, और अब यही मफूले मुतलक बोला, इसी को मफूले मुतलक बोला जाएगा। तो वाहिदतन ये मफूले मुतलक है, इसनतैन मफूल मतलब है कि दक्कतन इसनतैन, यहाँ पर दक्कन सलासन, यहाँ पर जो है दक्कन मस्दर क्या है, यहाँ पर मुज़क्कर मानेंगे क्योंकि ये सलासन है, इसी से दक्कन अरबान। तो ये सारे के सारे मफूले मुतलक हैं अदुक्को फेल से, अदुक्को फेल इसके अंदर आना की ज़मीर, और ये सारे मफूले मुतलक, ये सब क्या मिल करके एक पूरा जुमला हो जाएगा, और ये जुमला हाल हो जाएगा। आना जो क्या, आना यहाँ पर है आना मुब्तदा और ज़ा क्या है खबर। तो आना जो मुब्तदा है उसी आना से क्या है ये हाल हो जाएगा ये जुमला, और ये आना मुब्त आना आना जुलहाल, और ये हाल ये पूरा मुब्तदा बन जाएगा, और क्या है ज़ा उसकी खबर बन जाएगी। ऐसे इसको कर सकते हैं, और भी तरीका है इसको कर सकते हैं, इसमें कोई रज नहीं। तो इसके बाद है कि अम्मा अंती फला यस्तफीद मिन की अहदुन इल्ला इदा अता लियराकी, अम्मा अंती जहाँ तक तुम हो तो तुमसे कोई भी फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता है, इल्ला इदा अता लियराकी, मगर उस वक्त जब वो तुम्हारे पास आए तुम्हें देखने के लिए। यानी कि ये जो मिसवाला है, ये जो ये घड़ी कह रही है कि मैं तो घंटी बजा देती हूँ, यानी कि जैसे टाइम होता है, जैसे कि अभी चार बजा, तो एक दो तीन चार, चार घंटी बजा दी। तो यहाँ दूर में अगर कोई शख्स है, या दूर में कोई बैठा, अंदर कोई बैठा हुआ शख्स है, तो इसकी घंटी की आवाज़ को सुन करके समझ जाएगा कि कितना बजा है। लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तो तुम्हारे पास ऐसा मसला नहीं है, तुम्हारे पास आना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा कि किधर से आया है, तब कितना बज रहा है। तो यही बात कह रही है ये घड़ी सातुल हाइट की, अम्मा अंती जहाँ तक तुम हो तो फला यस्तफीदु मिनकी अहदुन, तुमसे कोई भी आदमी फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता है, इल्ला इज़ा अता लियराकी, मगर उस वक्त जब वो आए लियराकी, ताकि तुम्हें देखे, तुम्हें देखने के लिए क्या है आए। तो ये फ़र्क है। तो ये बात अभी पूरी जो चली, फिर से एक बार इसको मैं करना जल्दी से, कह रही है कि सातुल हाइट कह रही कि अम्मा आना जहाँ तक मैं हूँ, या रही बात मेरी, तो मैं काम करती हूँ रात और दिन, गर्मी और सर्दी में, मुतमिदतन अला नफसी, अपने आप पर भरोसा करते हुए, फ़ुबय्यिनु लिन्नासी, और फिर मैं लोगों के लिए, लोगों को बताती हूँ, या लोगों के लिए बताती हूँ उनके काम, उनके आराम, उनके खाने, उनकी नमाज और उनके सोने के अवकात को। इसमई तुम सुनो, मैं वही घड़ी हूँ, वही सातुल हायत हूँ जिसके बारे में अभी मैं कलाम कर रही थी, मैं वही हूँ इस हाल में कि मैं घंटी बजा रही हूँ, एक घंटी, दो घंटी, तीन घंटी, चार घंटी। उसके बाद है अम्मा अंती,
रही बात तुम्हारी, फला यस्तफीद मिनकी अहदुन, तो तुमसे कोई भी आदमी इस्तिफादा नहीं कर सकता है, इल्ला इज़ा अता लियराकी, मगर उस वक्त जब वो तुम्हारे पास आए ताकि तुम्हें देखे। उसके बाद फिर क्या है आगे वगैरह कि सुम्मा ज़हरत अश्शम्स मिन वराइ सहाबी, फिर सूरज जो है बादलों के पीछे से नमूदार हुआ, जाहिर हुआ। सुम्मा ज़हरत अश्शम्स, फिर सूरज जाहिर हुआ बादलों के पीछे से, फतबैना, तो जाहिर हो गया, अन्न फ़ी सा'अति तअख़्खुरन क़द्रुहु निस्फ़ सा'अ, ये कि घड़ी के अंदर ताखीर है जिसकी मकदार आधा घंटा है, यानी कि ये बात जो सा'अतुल हायद और मिसवला के दरमियान चल ही रही थी एक ऐसे टाइम पर जबकि क्या है बदली छाई हुई थी, यानी कि क्या है सूरज नहीं निकला हुआ था, यानी कि बादल छाए हुए थे, तो उसी दरमियान में ये डायलाग, ये बातचीत इस सा'अतुल हायद और मिसवला के दरमियान चल रही थी, और ये सा'अतुल हायद, ये जो मिसवला है, इसको ये सारी बातें कह रही थी कि बाद सूरज नहीं निकला है, तुम कैसे हो कि बैठी हुई हो फालतू में, मैं देखो मैं काम कर रही हूँ दिनों रात, और मैं लोगों के लिए उनके औकात को अभी भी बता रही हूँ, देखो मैं घंटी बजा रही हूँ, एक दो तीन चार बार मैं टाइम बता देती हूँ, सुन लेते हैं लोग जहाँ भी बैठे हों, तुम्हारी मसला है, तुम्हारे कुछ नहीं है, तुम फालतू में बैठी हुई हो, और तुम और तुम्हें अगर टाइम देखना भी हो, तुम अगर काम भी करती हो तो तुम अगर टाइम देखने के लिए लोगों को तुम्हारे पास आना पड़ता है। ये सारी बातों के बाद फिर क्या है, सूरज निकला जो है बादलों के पीछे से, फतबैना, तो जाहिर हुआ ये कि इस घड़ी में, असास मुराद क्या है सा'अतुल हायद, तो फिर जाहिर हो गया ये कि इस घड़ी के अंदर ताखीर है, यानी कि लेट है, जिसकी मकदार क्या है आधा घंटा, यानी कि आधा घंटा ये पीछे चल रही है, तो इस वक्त जो है अभी तो सारी बुराई क्या है सा'अतुल हायद मिसवला की कर रही थी, तो ये देख करके कि इस ये घड़ी जो है ये भी क्या है आधा घंटा पीछे चल रही है, तो करें कि वह इंतज़ार लिखा, और उस वक्त तबस्सुमतिल मिसवला तो, यानी कि ये जो मिसवला है, जो शमसी घड़ी है, ये मुस्कुराई, मुस्तहसियतन बिखतई जारतिया, अपने पड़ोसन की गलती पर मजाक उड़ाते हुए, इस्तहज़ा के माने होता है मजाक उड़ाना, मुस्तहज़ियतन इस पे फ़ाइल है, वाहिद मुअन्नस का सेगा है, मुस्तहज़ियतन बेख़तई जारतिहा, अपने पड़ोसन की गलती पर मजाक उड़ाते हुए, यानी जब सूरज निकला तो देखा कि ये आधा घंटा पीछे चल रही है, तो वह इंतज़ारिका, और उस वक्त तबस्सुमतिल मिसवला, तो शमसी घड़ी मुस्कुराई, मुस्तहज़ियतन, यह हाल है मुस्तहज़ियतन बेख़तई जारिहा, तो मुस्तहज़ियतन बेख़तई जारिहा, और मिसवला जो है ये ज़ुल्हाल है, और मुस्तहज़ियतन बेख़तई जारतिहा, ये पूरा का पूरा हाल है, तो मुस्तहज़ियतन बेख़तई जारतिहा, अपने पड़ोसन की गलती पर मजाक उड़ाते हुए ये शमसी घड़ी मुस्कुराई, वक़ालत, और इस शमसी घड़ी ने कहा, अलान क़द ज़हरा, अब इस वक्त ज़ाहिर हो चुका है सच्चाई, या इस वक्त सच्चाई ज़ाहिर हो चुकी है, जो तुम अभी बकवास कर रही थी तो उसमें, उसके अंदर तुम्हारी बकवास में कितनी सच्चाई थी, कितनी क्या है सच्चाई नहीं थी, अभी ज़ाहिर हो चुका है कि तुम जो है आधा घंटा पीछे चल रही हो, और मैं जो है अपने सही टाइम को बता रही हूँ। तो कह रहे कि अलान वकालत अलान, और उसने कहा अब इस वक्त जो है सच्चाई ज़ाहिर हो चुकी है, अंतित अमली ना फतुख्ती ना, तुम यानी कि ऐसा अतुल हायत, तुम काम करती हो और फिर गलती करती हो, तुम पीछे हो जाती हो, टाइम सही से नहीं बताती हो, वतुकीना फिल खतई मैयतकिलु अलैकी, और तुम गलती में डाल देती हो, वाक़े करती हो, मैयतकिलु अलैकी, उसको जो कि तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, फलायाती है मिनक इल्ला ज़ररु, बस उनके पास तुम्हारी जानिब से नुकसान के अलावा कोई चीज़ नहीं पहुँचती है। ये बुराई बयान कर रही है मिसवला किसकी, सा'अतुल हायद की, कि तुम काम करती हो, तुम किसी पर एतमाद तो नहीं करती हो, लेकिन तुम क्या है गलती भी करती हो, और तुम्हारी इस गलती की सज़ा वो लोग भुगतते हैं जो तुम्हारे ऊपर एतमाद करते हैं। तुम आधा घंटे पीछे चलोगी, किसी को ऑफिस जाना है, तुम्हारे ऊपर एतमाद किया तो आधा घंटा वो क्या है पीछे ऑफिस में पहुँचेगा, वहाँ पर क्या है वो फंस जाएगा, उसको परेशानी वाकई होगी, वो मुसीबत में पड़ेगा। तो इस तरह से फलायाती है वतुकीन फिल खतई, और तुम खता में डाल देती हो, मैं यत्तकिलु अलैकी, उसको जो कि तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, फलायाती है मिन के इल्ला ज़ररु, बस उनके पास तुम्हारी जानिब से नहीं पहुँचती है मगर ये कि नुकसान। फ़क़ालत सा'अतु, तो उस घड़ी ने कहा यानी कि इस सा'अतुल हायद ने कहा, क्या कहा, लैसल अइबु अय्या अमलल मरउ वयुख्तिया, कि बुराई इस चीज़ में नहीं है कि आदमी काम करे और गलती करे, लई सल आई वो असल में इबारत है, लई सल आई वो फ़ी अय अमल अलमर ओ वयुख्ती, बुराई ऐब नहीं है इस चीज़ के अंदर कि आदमी काम करे वयुख्तिया और गलती करे, वलाकिन नल आईबा, लेकिन यहाँ पर क्या है वाव है, तो वलाकिन नल आईबा, लेकिन ऐब इसमें यहाँ भी ऐसे ही होगा,
वलाकिन अल ऐबा फी अन यत्तकिला अला गैरिही फी अमलिही, लेकिन ऐब या बुराई इसमें है कि आदमी भरोसा करे अपने अलावा पर, फी अमलिही अपने काम को करने में। तो अपने काम में आदमी अपने अलावा पर भरोसा करे, बुराई इसके अंदर है। तो ये जो फाइनल लाइन है जो कि दो ब्रैकेट दो कोसाइन के दरमियान है, यानी कि दो ब्रैकेट के दरमियान है, यही खुलासा है इस दर्स का। यानी कि इससे हमें जो सीख क्या मिलती है, यही मिलती है कि आदमी के आदमी अगर काम करता है, गलती कर जाता है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर आदमी अपना काम करने के लिए दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड हो तो ये बुराई का सबब है। यहाँ तक हो गया, फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं अगर कोई चीज़ होगी तो फिर अगले घंटे में, तो फिर उसके बाद फिर जो है अगला दर्स पढ़ेंगे।